मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, होम वर्क क्लासेस का स्वागत है। देखो अपन फोर्थ क्लास में इंग्लिश में हमारा सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। सेकंड लेसन है हमारा पनिशमेंट ऑफ द मून। पनिशमेंट ऑफ द मून, पनिशमेंट मीन्स सजा या दंड, एंड मून मून मीन्स चंद्रमा। तो चंद्रमा की सजा, ये चंद्रमा का दंड। पनिशमेंट ऑफ द मून दिस बिकॉज पनिशमेंट मीन्स दंड या फिर सजा। तो चंद्रमा की सजा, ये चंद्रमा का दंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग हमने रीड कर ली है इस लेसन की, और इस लेसन को हमने आधा रीड भी कर लिया है। इस लेसन में क्या है, ये एक लेसन है कि जब स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर भगवान घूमते थे या रहते थे, तो उस वक्त क्या है, भगवान गणेश के जन्मदिन पर क्या बनाई गई थी, गणेश चतुर्थी बनाई गई थी। हमने इस लेसन में पहले रीड करा था कि भगवान गणेश के जन्मदिन पर गणेश चतुर्थी बनाई गई थी। तो उस दिन भगवान गणेश अपने सारे भक्तों के पास दौरा करने गए थे, अपने विकल अपने भूषण के साथ, और सारे भक्तों ने उनका हृदय पूर्वक स्वागत किया था और उन्हें बहुत सारी मिठाइयां ऑफर की, मतलब की पेश की थी। और गणेश जी ने उन सारी मिठाइयों को ग्रहण किया था, और सारी मिठाइयां एक से बढ़कर एक डिलीशियस, मतलब की स्वादिष्ट भी, और लोग उन्हें मिठाइयां पेश कर रहे थे, और गणेश जी भी उस चीज से मना ही नहीं कर रहे थे, और वो उस चीज को लिए जा रहे थे। ऐसा करते करते उन मिठाइयों के साथ उन्हें क्या हो गई, शाम हो गई थी। और सबसे ज्यादा गणेश जी ने अपने फेवरेट, जो उनके पसंदीदा मोदक लड्डू है, उनके साथ आनंद लिया था। और जब रात हो गई, लेकिन वो क्या है, मिठाइयां खाते ही जा रहे थे, तब रात होने पर जब एट लास्ट वो अपने घर वापस आ रहे थे, तो इतनी मिठाइयां खाने के बाद गणेश क्या हो गए थे, बहुत भारी हो गए थे, और जो उनके मूसक है उनको बहुत परेशानी हुई थी उन्हें वापस लाने में। लेकिन जब उनके मूसक गणेश को वापस लेके आ रहे थे, तो रास्ते में मूसक रुक गए, अचानक से वो मूसक रुक गया, और उसने देखा कि रास्ते में एक सांप है, और उस सांप को देखकर वो डर गया, और उसने गणेश को गिरा दिया और खुद भाग गया। और इन सबको ऊपर बादलों में से चंद्रमा देख रहा था, और जब उसने गणेश को गिराया मूसक ने, तो चंद्रमा हंस गया, हंसने लग गया, और वह मतलब काफी जोर से हंसा, और इस पर गणेश को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गए। जब गणेश नाराज हो गए, तो चंद्रमा को क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हो गया, मतलब जल्दी चंद्रमा को एहसास हो गया कि उसने गणेश पर हंसकर क्या कर दी, गलती कर दी है। और फिर गणेश जो है वो चंद्रमा के पीछे भागे, और चंद्रमा अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में जाकर छुप गए, और जो गणेश है वो चंद्रमा के पीछे पीछे उसके घर तक दौड़े, मतलब उसके घर तक उसका पीछा किया। और जब चंद्रमा अपने घर में छिप गए, तो गणेश भी क्या है, उनके घर के बाहर ही बैठे रहे। और ऐसे बहुत सारे दिन और बहुत सारी रातें निकल गई, क्योंकि चंद्रमा बाहर नहीं निकला, इसलिए रात में क्या हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, क्योंकि उस समय क्या थी, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मतलब बिजली नहीं थी, इसलिए उस वक्त सूर्यास्त के बाद कोई भी कुछ नहीं देख पाता था, क्योंकि अंधेरा हो जाता था, इसलिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। और फिर आगे क्या है वो अपन अब पढ़ेंगे। आगे क्या है, द प्यूपल सफरेड, द प्यूपल सफरेड, सफरेड मीन्स होता है कष्ट, कष्ट पहुंचाना या कष्ट होना। तो प्यूपल यानी कि लोगों को कष्ट हुआ, लोगों को कष्ट हुआ, क्योंकि ना रात में तो अंधेरा हो जाता था, और उस समय कोई बिजली नहीं थी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, वो चंद्रमा का प्रकाश था जिससे लोग देख पाते थे। तो इसलिए जब चंद्रमा अपने घर में छिप गया, वो निकला नहीं बाहर, तो सूर्यास्त के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया, और इससे लोगों को कष्ट हो रहा था। तो द पीपल सफरेड, मतलब कि लोगों को कष्ट हो रहा था। ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड गणेशा, ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड गणेशा एंड प्रेड टू हिम। ऑल ऑफ यानी कि सभी, ऑल ऑफ मीन सभी, ऑल ऑफ देम वेंट, वेंट यानी चाहना, टू लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश, एंड प्रेड यानी कि प्रार्थना करना, टू हिम यानी उनसे। तो ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड गणेशा एंड प्रेड टू हिम, तो सभी सभी भगवान गणेश के पास गए और उनसे
प्रार्थना की उसके लिए, किसके लिए की थी, चंद्रमा के लिए, मून के लिए, कि उसको वो माफ कर दे, क्योंकि लोगों को क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो रहा था ना, इसलिए। तो द पीपल सफरेड, लोगों को कष्ट हो रहा था, ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड गणेशा एंड प्रेड टू हिम, सभी भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की। द सॉफ्ट हार्टेड गणेशा फेल्ट सॉरी, द सॉफ्ट हार्टेड गणेशा फेल्ट सॉरी फॉर दैट, सॉफ्ट हार्टेड यानी कि नर्म हृदय से, तो नर्म हृदय से गणेश फेल्ट सॉरी, यानी कि जो गलती, सॉरी में क्षमा होता है, तो जो गलती की थी ना चंद्रमा ने, जिसका उसको एहसास हुआ था, तो उस क्षमा के लिए, मतलब कि लोगों को कष्ट हो रहा था और सारे लोग भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की, सॉफ्ट हार्टली, मतलब अपने हृदय से प्रार्थना की, अपने हृदय से, अपने नर्म हृदय से गणेश को यह एहसास करवाया उनकी क्षमा का, मतलब माफी का, जो चंद्रमा ने मिस्टेक की थी ना उसकी गलती का एहसास करवाया। ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट फेयर टू मेक द वर्ल्ड पे, ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट फेयर टू मेक द वर्ल्ड पे फॉर द मून मिस्टेक, ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट फेयर टू मेक द वर्ल्ड पे फॉर द मून मिस्टेक, ही रियलाइज, रियलाइज यानी कि महसूस करना या एहसास हुआ, दैट ही वॉज नॉट फेयर, नॉट फेयर, फेयर यानी कि होता है सही और मतलब अच्छा भी होता है, तो नॉट फेयर यानी कि सही नहीं है या फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉट लग रहा है और नॉट के लिए नहीं, फेयर अच्छा और सही, ठीक है। टू मेक द वर्ल्ड पे, वर्ड यानी कि संसार और पे यानी कि भुगतान करना, फॉर द मून्स मिस्टेक, मून्स मिस्टेक यानी कि चंद्रमा की मिस्टेक यानी कि गलती के लिए, तो ही रियलाइज, वह महसूस करने लगा या उसने महसूस किया कि दैट इट वाज नॉट फेयर, कि यह सही नहीं है टू मेक द वर्ल्ड पे फॉर द मून्स मिस्टेक, यानी कि चंद्रमा की गलती का भुगतान लोग, मतलब पूरा संसार करे, वर्ड यानी कि संसार। तो ही रियलाइज, उसने महसूस किया कि चंद्रमा की गलती का भुगतान लोग करें, ये पूरा संसार करे, यह सही नहीं है। बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, बट एट द सम टाइम, बट एट द सम टाइम ही डिड नॉट वॉन्ट टू, सॉरी, डिड नॉट वॉन्ट द मून टू गेट अवे विदाउट एनी पनिशमेंट, बट एट द सम टाइम ही डिड नॉट वॉन्ट द मून टू गेट अवे विदाउट एनी पनिशमेंट, बट लेकिन एट द सम टाइम, कुछ समय के लिए, सम टाइम, टाइम यानी कि समय और सब में कुछ, तो बट एट द सम टाइम मतलब कि कुछ समय के लिए ही डिड नॉट वॉन्ट द मून टू गेट अवे विदाउट एनी पनिशमेंट, लेकिन किसी भी, लेकिन किसी भी समय के लिए, मतलब कुछ क्षण भर के लिए भी, चाहे से ही डिड नॉट, वह नहीं चाहता था कि द मून टू गेट अवे विदाउट एनी पनिशमेंट, मतलब कि चंद्रमा पनिशमेंट यानी कि सजा, और एनी यानी कि कोई सी, विदाउट यानी के बिना, तो कि चंद्रमा किसी भी सजा के बिना छूट जाए, मतलब कि उसको ऐसे ही माफ कर दिया जाए। वापस से देखो, द पीपल सफरेड यानी कि लोगों को कष्ट हो रहा था, ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड गणेशा एंड प्रेड टू हिम, सभी भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की। द सॉफ्ट हार्टेड गणेशा फेल्ट सॉरी दैट, मतलब कि नर्म हृदय वाले गणेश को सॉरी, मतलब माफी का एहसास करवाया। ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट फेयर टू मेक द वर्ल्ड पे फॉर द मून्स मिस्टेक, उसने रियलाइज किया, मतलब महसूस किया या एहसास किया इस बात का कि चंद्रमा की गलती की सजा पूरी दुनिया या पूरा संसार भुगते, या उसकी गलती की सजा का भुगतान संसार करे, यह सही
सही नहीं है या यह भी ठीक नहीं है। बट एट द सम टाइम मतलब कि लेकिन चाहे कुछ समय के लिए ही डिड नॉट वॉन्ट द मून टू गेट अवे विदाउट एनी पनिशमेंट। मतलब लेकिन कुछ समय के लिए भी वह चंद्रमा को बिना किसी सजा दिए छोड़ना नहीं चाहता था। मतलब वो जब चंद्रमा ने गलती की है, मिस्टेक की है, तो गणेश उसको उसकी गलती की सजा देना ही चाहता था और वो उसको वो सजा देगा ही। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी और की गलती की सजा किसी और को मिले। मतलब कि जब गलती चंद्रमा ने करी है तो संसार इसका भुगतान क्यों करे, इसलिए सजा भी किसको मिलेगी, चंद्रमा को मिलेगी। तो आफ्टर मच थिंकिंग he shelled on a compromise. After much thinking, he shelled on a compromise. Means after यानी कि बाद में और much thinking यानी कि कुछ सोचने के बाद, thinking यानी कि सोचना, तो कुछ सोचने के बाद he shelled on a compromise. वह एक कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज यानी होता है समझौता, ठीक है। तो आफ्टर मच थिंकिंग मतलब कि कुछ समय या कुछ सोचने के बाद ही शेल्टर्ड ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, वह एक समझौते के लिए तैयार हो गया। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता, वह एक समझौते के लिए तैयार हो गया। He called चंद्रा यानी कि चंद्रा यानी कि चंद्रमा, मून, कॉल्ड यानी कि बुलाना या कहना होता है लेकिन यहाँ पुकारने के लिए यूज हुआ है। तो ही कॉल्ड चंद्रमा, चंद्रा है मतलब उसने चंद्रमा को बुलाया। यू हैव टू पे द प्राइज फॉर लाफिंग एट मी ऑन माय बर्थडे। यू हैव टू पे द प्राइज फॉर लाफिंग एट मी ऑन माय बर्थडे। मतलब कि तुम्हें यू हैव टू पे यानी कि भुगतान, तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा द प्राइस फॉर लाफिंग तुम्हारे हंसने का, लाफिंग यानी कि हंसना, एट मी यानी कि मुझ पर, ऑन माय बर्थडे यानी कि मेरे जन्मदिन पर, बर्थडे यानी कि जन्मदिन। मतलब कि यहां से वापस देखो, आफ्टर मच थिंकिंग ही शेल्टर्ड ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, कुछ सोचने के बाद उसने एक समझौता किया या फिर एक समझौते के लिए तैयार हो गया। He called चंद्रा, उसने चंद्रमा को बुलाया। You have मतलब गणेश ने, You have to pay the price for laughing at me on my birthday। मतलब तुम्हें मेरे जन्मदिन पर और मुझ पे, मेरे जन्मदिन के दिन मुझ पे हंसने के लिए, मुझ या मेरा मजाक बनाने के लिए, जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया था मेरे ऊपर हंसने के लिए, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। प्राइस यानी कि फॉर मतलब भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें इस चीज का, तुमने जो मेरा मजाक बनाया था ना, तुम्हें उसकी प्राइस यानी कि कीमत, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब उसकी कीमत का भुगतान करना होगा। तो योर पनिशमेंट इज दैट फ्रॉम नाउ ऑन योर विल इंक्रीजेज बिट बाय बिट फॉर 15 days until you are full and round. Means your punishment, यानी कि सजा, punishment में सजा, तो तुम्हारी सजा is that, तुम्हारी सजा है, तुम्हारी सजा यह है कि from now, यानी कि अब से, now यानी कि अब से on you will increase, मतलब कि बढ़ना, increase यानी कि bit by bit यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट यानी कि टुकड़े, मतलब टुकड़े वाय टुकड़ों में, फोर 15 days, 15 यानी कि 15 डेज यानी कि दिन, 15 दिनों में, अंटिल यू आर फुल एंड राउंड, मतलब 15 दिनों में, राउंड मीन्स यानी कि चक्कर करना, मतलब तुम्हारे वह मतलब गणेश जो चंद्रमा को सजा दे रहे हैं वो ये है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सजा यह है कि अब से तुम टुकड़ों बाय टुकड़ों में इंक्रीज यानी कि बढ़ोगे, तुम टुकड़े बाय टुकड़ों में बढ़ोगे 15 days यानी कि 15 दिनों में, और जब 15 दिनों में तुम्हारा एक राउंड पूरा होगा तो तुम उस टुकड़े बाय टुकड़ों में बढ़ोगे। देन फॉर द नेक्स्ट 15 days
15 डेज यू विल डिक्रीज बिट बाय बिट अंटिल यू डिसअपीयर, मतलब कि और वापस से नेक्स्ट यानी कि अगले या वापस, तो अगले वापस से 15 डेज मतलब 15 दिनों में तुम वापस डिक्रीज यानी कि घटते जाओगे बिट बाय बिट मतलब वही टुकड़ों में, और यू विल नॉट शो योर फुल फेस एवरी नाइट, मतलब एवरी नाइट यानी कि प्रत्येक रात को, एवरी यानी प्रत्येक, फुल फेस यानी कि पूरा चेहरा, फेस यानी कि चेहरा और शो यानी कि दिखना, मतलब कि तुम्हारा पूरा चेहरा प्रत्येक नाइट यानी कि किसी भी रात में, प्रत्येक रात में तुम्हारा पूरा चेहरा नहीं दिखेगा, मतलब जब भगवान गणेश ने चंद्रमा को सजा दी तो उसकी सजा ये थी कि तुम 15 दिनों में टुकड़े बाय टुकड़ों में निकलोगे रोज, जैसे कि चंद्रमा निकलता है तो वो कभी भी पूरा नहीं होता है, वो पूरा 15 दिन के अंदर ही होता है, जब वो 15 दिन में अपना एक राउंड पूरा कर लेता है तब वो अपना पूरा फेस निकालता है, तभी उसका वो पूरा फेस निकलता है, बाकी वो टुकड़े बाय टुकड़ों में रोज निकलता है, क्योंकि ये गणेश ने उसको सजा दी है, पनिशमेंट दी है चंद्रमा को कि वह रोज अपना पूरा फेस, अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं पाएगा और वो 15 दिनों में बिट बाय बिट यानी कि टुकड़े बाय टुकड़ों में निकलेगा, और जब वो 15 दिन में अपना राउंड पूरा कर लेगा तब वो एक दिन के लिए अपना पूरा फेस दिखाएगा, मतलब वो सिर्फ एक दिन है 15 दिन के बाद जिसमें चंद्रमा पूरा निकलता है, बाकी के दिन 15 बाकी 14 दिनों के लिए चंद्रमा टुकड़ों बाय टुकड़ों में निकलता है। एक बार फिर से देखो, द पीपल सफरेड यानी कि लोगों को कष्ट हुआ, ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड गणेशा एंड प्रेड टू हिम, सभी व्यक्ति या सारे लोग भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की, द सॉफ्ट हार्टेड गणेशा फेल्ट सॉरी देम, कि मतलब हृदय जो नर्म हृदय के गणेश है उनको क्षमा का एहसास दिलाने के लिए, मतलब उनको ये फील करवाने के लिए, He realized that he was not fair to make the world pay for the moon's mistake. और उसने यह realize किया, मतलब महसूस किया, इसका एहसास किया कि चंद्रमा की गलती की सजा संसार क्यों भुगते, यह संसार को उसका भुगतान क्यों करना पड़े, तो but and the sometime he did not want the moon to get away without any punishment. लेकिन कुछ समय के लिए भी वह चंद्रमा को बिना किसी सजा के, बिना किसी सजा दिए छोड़ना नहीं चाहता था और छोड़ भी नहीं सकता था। आफ्टर मच थिंकिंग मतलब कुछ सोचने के बाद ही सेटल्ड ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, वह एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया कि कॉल्ड चंद्रा, उसने चंद्रमा को बुलाया, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर लाफिंग एट मी ऑन माई बर्थडे, मतलब तुम्हें मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर मुझ पे हंसने के लिए या मेरा मजाक उड़ाने के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी या इसकी कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। तो योर पनिशमेंट इज दैट फ्रॉम नाउ ऑन योर विल इंक्रीज बिट बाय बिट फॉर 15 डेज अंटिल यू आर फुल एंड राउंड, मतलब कि तुम अपना पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते, मतलब कि तुम 15 दिनों में टुकड़े बाय टुकड़ों में निकलोगे और यह तुम्हारे 15 दिन का क्या होगा, पूरा राउंड होगा, चक्कर होगा। देन फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, और उसके अगले 15 दिनों में यू विल डिक्रीज बिट बाय बिट, फिर से तुम क्या होगे, बिट बाय बिट यानी कि टुकड़े बाय टुकड़ों में निकलोगे, यू डिसअपीयर, यू विल नॉट शो योर फुल फेस एवरी नाइट, मतलब तुम अपना, मतलब प्रत्येक रात में तुम अपने पूरे फेस के साथ, पूरे चेहरे के साथ नहीं निकलोगे, मतलब ये क्या है, एक जब भगवान पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से थे उस वक्त का है कि उस दिन जब भगवान गणेश का जन्मदिन था तो उस दिन क्या है, गणेश चतुर्थी मनाई गई, तो उस दिन को हम आज भी गणेश चतुर्थी के नाम से ही मनाते हैं। तो जब वो भगवान गणेश अपने भक्तों के पास क्या है दौरा करने के लिए गए थे तो उनके साथ उनका मूसक था, उनकी सवारी जो है, अब जब भगवान गए थे तो सबने भगवान का हृदय से, पूरे दिल से क्या किया था, स्वागत किया था और बहुत सारी मिठाइयां उन्हें ऑफर की। तो जो भगवान गणेश हैं उनके फेवरेट क्या थे, मोदक थे, लड्डू थे, तो उन्होंने उनको ही सबसे ज्यादा खाया, मतलब उनके साथ बहुत आनंद लिया। और ऐसे करते करते क्या है, शाम हो गई, लेकिन जब रात में वो वापस अपने घर आ रहे थे तो
इतना खाने के बाद वो भारी हो गए, इसलिए जो मूसा के है उनका उसको क्या बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन जब वो आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में मूसा को एक सांप मिल गया और वो सांप को देख के डर गया, इसलिए वो क्या है डर की वजह से भाग जाता है और गणेश को गिरा देता है। और इन सब को क्या है ऊपर बादल में से चंद्रमा देख रहा है, तो वो इन सब वार्तालाप को देख के चंद्रमा हंस जाता है, क्योंकि जब गणेश गिर जाते हैं तो चंद्रमा को हंसी आ जाती है। तो उस हंसी के लिए क्या है गणेश नाराज हो जाते हैं, उनसे गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए जब चंद्रमा को यह एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, तो वो क्या है अपने घर भाग जाता है। तो गणेश भी उसके पीछे भागते हैं और उसके घर के सामने बैठ जाते हैं। इसलिए कुछ दिनों से डर की वजह से कुछ दिनों तक चंद्रमा अपने घर में से नहीं निकलता है, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए क्या हो जाता था सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता था, और जब अंधेरा हो जाता तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए लोगों को क्या हो रहा था कष्ट हो रहा था। और सारे लोग मिलकर गणेश के पास गए थे, उनसे प्रार्थना की कि वो चांद को माफ कर दे। लेकिन गणेश भी क्या थे, उनको यह तो एहसास हुआ कि चंद्रमा की गलती है, तो संसार तो इसका भुगतान नहीं कर सकता, उसकी गलती की सजा सबको क्यों मिले। इसलिए वो ये सोचता है, एक समझौता करता है कि चंद्रमा ने गलती की है तो चंद्रमा को ही सजा मिलेगी, लोगों को नहीं मिलेगी। इसलिए वो चंद्रमा को बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे जन्मदिन पर मेरा मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम रोज रात में कभी भी अपने पूरे फेस के साथ पूरे चेहरे के साथ नजर नहीं आओगे, तुम टुकड़े बाई टुकड़ों में निकलोगे, और ये तुम्हारे 15 दिन का एक क्या होगा चक्र होगा, एक राउंड होगा जो तुम्हें 15 दिन में पूरा करना है, और उस 15 दिन में तुम टुकड़े बाई टुकड़ों में निकलोगे, और वो 15 दिन पूरा होने पर तुम एक दिन के लिए अपना पूरा फेस दिखाओ। प्रत्येक नाइट यानी कि रात में सभी प्रत्येक रात में तुम अपने फुल फेस के साथ नहीं आ सकते, ठीक है। नाउ चैप्टर इज फिनिश, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।